फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गार्डनिंग से रिलेटेड हमने क्या बनाया है और उसको बनाने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ी है। तो आइए अब मैं आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ जिसमें हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे हैं। तो आपने देखा हमने कितने सारे प्लांट्स लगाए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पुराने टायर का भी इस्तेमाल किया है जिसको हम फेंकने वाले थे, तो कुछ नहीं, बस इस टायर को लिया, इसको कलर किया, इसमें एक अच्छा सा पॉट रखा और साथ ही दिवाली पे हम इस पर लाइट्स लगा देते हैं ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि आप नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो हम चाहते थे कि वो ग्रीनरी का लुक और ज़्यादा है, तो हमने ये हैंगिंग पॉट का सेट बनाया है जिसमें हम पॉट्स को हैंग कर सकते हैं और साथ ही हमने इसमें लाइट्स भी लगाई हैं ताकि इसमें ये खूबसूरती भी दे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये आखिर बनाया किन चीज़ों से है और कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे हमने दो प्लांट्स रखे, पॉट्स रखे थे, उसको किस चीज से बनाया है। तो हमने इस लकड़ी का इस्तेमाल किया है। आप लकड़ी ऐसी लीजिएगा जो प्लांट्स का वेट को संभाल सके। तो हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया है और साथ ही साथ इसको आप जिस मन चाहे कलर से पेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से लकड़ी खराब नहीं होगी। तो ये है प्लेटफॉर्म, इस पे हमने पॉट रखा और साथ ही हमने इस मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया है इसको बांधने के लिए ताकि हम इसको ऊपर लटका सकें। तो कुछ नहीं, इसको दोनों तरफ से बांधा है। तो अब आप इसको हैंग कर सकते हो आराम से। फिर हमने साथ ही सोचा कि इसमें दो पॉट की जगह अगर हम और पॉट रख सकते हैं, तो यहाँ की हमने यहाँ दो हुक्स दिया है जिसमें कि हम पॉट को हैंग कर सकें। तो उन पॉट्स को हैंग करने के लिए आप चाहें तो बाजार में मिलते हुए पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर में रखे हुए डब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने घर में रखे हुए डब्बों को ही रीयूज किया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे पॉट हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इन डब्बों को अच्छे से डेकोरेट करके इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, और आप चाहें जैसा कि हमने किया है मजबूती देने के लिए भी इन रस्सियों के इस्तेमाल से पॉट हैंगर बना सकते हैं और इनको लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे इस डिब्बे को रीयूज किया है और ये पॉट हैंगर बनाया है। देखा कितनी इजीली अवेलेबल चीजों से हमने ये एक पॉट सेट बना दिया है और इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और कितना सुंदर भी लग रहा है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दिस वीडियो।